आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर के लिए लाइव। किसानों की महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में लखीमपुर पहुंचे जयंत चौधरी ने किसानों के हौसलों को बढ़ाया। इन दिनों किसानों को लेकर केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है। यह सब किसान जो नाराज हैं वो कृषि कानून को लेकर है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इन किसानों के आक्रोश का फायदा चुनाव में लेने से पीछे नहीं हटना चाहता। इसी कड़ी में जयंत चौधरी किसानों की महापंचायत में लखीमपुर खीरी पहुंचे। हम पूरी खबर से आपको रूबरू करना, उससे पहले चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे मामले पर हमारे संवाददाता आनंद तिवारी ने खास रिपोर्ट तैयार की है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में किसान महापंचायत का आयोजन पलिया विधानसभा के संपूर्ण नगर रोड पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप पर पूर्व सांसद जयंत चौधरी पहुंचे। जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। जयंत चौधरी ने हजारों की तादाद में पहुंचे किसानों को संबोधित किया। सरकार किसानों की बात नहीं मानने वाली, इसीलिए लखीमपुर पीलीभीत बॉर्डर पर मुझे किसान महापंचायत का आयोजन करना पड़ रहा है, क्या जयंत चौधरी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुगलों की बात करते रहते हैं, सरकार द्वारा बनाया गया काला कानून किसान विरोधी है, इसका हम लोग समय आने पर हर किसान को सरकार को जवाब देना होगा। सरकार MFC को लेकर सही निर्णय नहीं ले पा रही है। साथ ही जयंत चौधरी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते होने के चलते किसानों में अपनी अच्छी पैठ रखते हैं। दोस्तों, इस तरह की और खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हम आपसे यही चाहते हैं कि अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आंदोलन चल रहा है और अब सरकार बात करने को राजी नहीं है। लगभग एक महीना बीत गया है, सरकार का कोई रुख निकल के नहीं आ रहा कि बात करने को राजी है। सरकार ने अपने स्टैंड को और ज्यादा हार्ड कर लिया है। खुद मोदी जी इसमें उलझ चुके हैं। कोई बात साफ है कि सरकार शायद किसानों की बात मानने को राजी नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, और इसलिए इस आंदोलन के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हम यहाँ लखीमपुर और पीलीभीत के बॉर्डर पे आए हैं। दूर दराज के इलाके के लोग यहाँ पहुंचे हैं ताकि सरकार को ये एहसास मिले कि सीमित आंदोलन नहीं है। सब किसानों की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वे हाथ हैं, आक्रोशित हैं। और सरकार अगर आज नहीं मानेगी तो कल सरकार बदली जाएगी। सरकार का कहना है आंदोलन बहाना है, राजनीति निशाना है। देखिए, राजनीति का मुद्दा किसान और खेती होना चाहिए। कैसे आप किसान के जीविका में सुधार लाओगे, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है क्या? बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है। और राजनीतिक चोट देने के लिए, किसानों को संगठित करने के लिए लोकदल प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप देखा है यूपी में माहौल ऐसा है, मुख्यमंत्री औरंगजेब को गोली गाली देते रहते हैं, मुगलों की बात करते रहते हैं, मुजफ्फरनगर की दंगों की याद रहते हैं। इसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। ये खेती का मुद्दा विकास का मुद्दा है। राकेश त्रिपाठी ने भी बात कही है कि अब की 40 नहीं 40 लाख चक्कर आएंगे। किंतु परंतु को विचार करने हम नहीं आए, हम सरकार पे दबाव बनाने आए हैं। और किसान लगातार निकल रहे हैं, किसान पंचायतों का आयोजन में आप देख रहे हैं भारी भीड़ आ रही है। इस बात का संकेत है कि किसान इस मुद्दे को समझ चुके, कानून को समझ चुके, जो दुष्प्रभाव उनके जीवन पर पड़ने वाले हैं उनको समझ चुके और उनका विरोध कर रहे हैं। अब बाकी जिम्मेदारी सरकार की, हम अपना पक्ष रख सकते हैं, देश का किसान अपना पक्ष ही रख सकता है, वो हम रख रहे हैं। बाकी काम सरकार का है, सरकार नहीं मानेगी तो सरकार बदल दी जाएगी। लेकिन सरकार कह रही है कि हम कृषि कानून को रिफ्यूज करेंगे, लेकिन उसमें संशोधन करने। अब जबरदस्ती या कुछ लोगों की तिजोरी की हवस जीतेगी या किसान के पेट की भूख जीतेगी, ये फैसला होना है। वो फैसला आज यहाँ पंचायत में सुनाएंगे और निरंतर सुनाएंगे पंचायतों के आयोजन में। सरकार जो है कृषि कानून को वापस करेगी,
सरकार क्या करेगी तो किसी को भी नहीं मालूम, दो लोगों को पता है, बाकी तो सरकार के किसी बड़े या छोटे नेता को भी नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी के क्या होगा। सरकार का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को किसान नहीं मानते। किसान नहीं मानते, देखिए आप देख लो यहाँ कैमरा अपना दौड़ाओ, कौन लोग है किसान है, खेती करने वाले लोग किसान है, यहाँ लखीमपुर पीलीभीत से आए हैं लोग और बहुत बढ़िया फसल तैयार की है इन्होंने, उनकी फसल भी देखता आ रहा हूँ मैं। धान की खरीद हो गई 2 महीने से, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा, MSP कुछ और है, इन्हें भाव कुछ और मिल रहा है, गन्ने का भाव 3 साल से सरकार ने बढ़ाया नहीं, तो ये आक्रोशित किसान है, ये असली किसान है। किसका बकाया 13,000 करोड़ का बकाया खड़ा हो चुका है पिछले सत्र, और फरवरी में जाके भाव घोषित किया वो भी 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अरे सर एक चीज़ हो रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए।